हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई रजनीश। आज मैं आप लोगों के लिए सप्लाई होती है डीसी टू डीसी कन्वर्टर, ये मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इसमें देखिए यहाँ पे फ़ैन भी लगा हुआ है। ये 1800 वाट की पावर सप्लाई है, ठीक है भाइयों। और इसमें 1200 वाट की पावर सप्लाई भी अवेलेबल है हमारे पास। ये 1800 वाट की पावर सप्लाई है, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ी सी आपको डिटेल्स दे देता हूँ इसके बारे में। जो है यहाँ पर देखिए इनपुट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है इनपुट देनी है आपने जो है, ठीक है। यहाँ पे इनपुट आपका होगा और यहाँ पे जो है आपका आउट लिखा हुआ है, यहाँ पे आउटपुट आपको मिल जाएगी। यहाँ पे 12 वोल्ट डीसी आपने देना है, यहाँ पे 12 वोल्ट से लेके 32 वोल्ट तक आप इनपुट यहाँ पे दे सकते हो। और यहाँ पे आप आउटपुट जो है 99 वोल्ट तक ले सकते हो, आउटपुट यहाँ पे मिलेगी आपको, इनपुट यहाँ पे देनी है। और ये जो प्रीसेट है, ये टोन जो है अपना, जब 11 वोल्ट से आप नीचे अगर इसको सेट कर दोगे तो 11 वोल्ट के नीचे जैसे ही आएगा ऑटोमेटिक ये कन्वर्टर बंद हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये एम्पियर को एडजस्ट करने के लिए है, एम्पियर इससे आप बढ़ा घटा सकते हैं। और ये जो टोन दिख रहा है आपको, ये टोन जो है इससे आप वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है भाइयों। मैं अभी आपको इसकी लाइव टेस्टिंग करके दिखाऊँगा। वीडियो में बने रहें, चैनल लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी मोर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और जिस भाई को ये मंगवाना है, ये ओरिजिनल है दोस्तों, जिस भाई को भी ये चाहिए वो हमसे संपर्क कर सकता है। पेमेंट मगर आपने पहले करनी पड़ेगी और 3 to 4 डेज टाइम लगेगा। आपको प्रोडक्ट आपके यहाँ मिल जाएगा, जहाँ पर भी आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी हो आप इसे प्रोडक्ट को मंगा सकते हैं, ठीक है, और बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इनपुट लिखा हुआ है, तो इनपुट वाले सेक्शन पे जो है हम यहाँ पे इसको खोलेंगे। पहले खोलने के बाद प्लस माइनस जो है देख के, बराबर से बढ़िया से देख के, तब उसके बाद इसमें हम लगा देंगे। प्लस माइनस देखने के बाद यहीं पे मैं 12 वोल्ट भी दूंगा और बैटरी भी मल्टीमीटर भी कनेक्ट करके दिखाऊंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को पता चल सके। ठीक है भाइयों, तो ये माइनस पे माइनस हमने लगा दिया है, देख पा रहे होंगे आप। माइनस पे माइनस जहाँ लिखा हुआ है माइनस पे माइनस लगा देना है और प्लस पे प्लस लगा देना है, ठीक है। तो इनपुट तो हमने दे दी दोस्तों, यहाँ पे देखिए पावर भी आने लग गई होगी। अब ये देखिए लाइट हल्की सी ग्लो हो रही है, ये हल्की सी लाइट जो जल रही है आप लोगों को दिख रहा होगा शायद, ये देखिए हल्की सी रेड एलईडी जो है ये ग्लो हो रही है, ठीक है भाइयों। और मैं आउटपुट पे इसकी वोल्टेज चेक कराता हूँ। ये हमारे पास दो मल्टीमीटर्स हैं, ये दो मल्टीमीटर्स को, पहले एक मल्टीमीटर को मैं यहाँ पर रख देता हूँ आप लोगों को, ताकि वोल्टेज शो होता रहे डीसी पे लगा के। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे इसको रख दिया है। अब यहाँ पे मैं डीसी पे इसको चेक करा देता हूँ, इनपुट यहाँ पे कितनी दे रखी है हमने। ये देखिए 12 वोल्ट इनपुट यहाँ पे आ रहा है अपना, और आउटपुट हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये देखिए आउटपुट हमें 12.7 वोल्ट मिल रहा है। और अब हम जो है इसको वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, वोल्टेज को बढ़ा के देखेंगे कि हमें कितना वोल्ट आउटपुट मिलता है। देखिए दोस्तों, आप लोगों के सामने मैंने सारे कनेक्शन कर रखे ताकि आप लोगों को भी कोई दिक्कत ना आए, कोई दिक्कत समस्या ना हो। ये बैटरी भी आप लोगों के सामने ही है। मैं मल्टीमीटर को पहले इसमें लगा ही देता हूँ। तो दोस्तों अब ये मल्टीमीटर की रेड वाली प्रोब जो है हम मल्टीमीटर के प्लस वाले साइड में लगा देंगे, और माइनस वाला प्रोब जो है इसके माइनस वाले साइड में लगा देंगे। अब जो है इसकी वोल्टेज हम यहाँ से बढ़ाएंगे धीरे धीरे करके, और देखेंगे इसका वोल्ट कितना बढ़ता है, कहाँ तक बढ़ता है।
तो दोस्तों वहाँ पे देखिए आप, 36 वोल्ट तक आ गया ये, 36, 32, 31। अब हम यहाँ पे जो है टोन को अपने घुमाते हैं, तो ये देखिए 28, 27 वोल्टेज अब धीरे धीरे कम हो रहा है। ये देखिए अभी हम इसको पूरा डाउन करते हैं पहले, फिर वो पूरा हाई करेंगे वोल्टेज। ये देखिए, ठीक है भाइयों, ये आप लोगों के सामने टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं, कुछ अलग से ताम झाम नहीं लगाया है मैंने। अब मैं बैटरी पर भी कनेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए दो वायर जो है, दो वायर सीधा बैटरी में जा रहा है। तो ये बैटरी वाला वायर जो है हमने यहाँ पे देखिए, इसमें भी 12 वोल्ट दे रखा है। ये मल्टीमीटर में एक मल्टीमीटर और लगा देता हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोगों को सही से शो हो, तो पता चल पाए कि हम जो वीडियो बनाते हैं एकदम तगड़ी वीडियो बनाते हैं। दोस्तों ये देखिए 13 वोल्ट इधर आ रहा है अपने मल्टीमीटर पे, इधर बैटरी से, और इधर देखिए 12 वोल्ट। ठीक है भाइयों, तो अब देखिए हम यहाँ पे वोल्टेज को थोड़ा इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ से देखिए आप इसको भी सेट कर पाएंगे टोन को। ठीक है भाइयों, तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि ऐसी मोर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। ये जो है यहाँ से तार इसका थोड़ा हिल जा रहा है, तभी यहाँ पे जो है ये सप्लाई थोड़ा वोल्टेज कट हो जा रहा है। तो यहाँ से आप अपने अनुसार वोल्टेज बढ़ा ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है भाइयों, कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों यहाँ पे आपने अच्छा पावर सप्लाई यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 13 वोल्ट, यहाँ पे भी आपको 13 कुछ वोल्ट, आपको इसी प्रकार से आप वोल्टेज जो है बढ़ा ज़्यादा कम कर सकते हैं, बढ़ा ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ठीक है भाइयों, इसी प्रकार से। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। ये सप्लाई जिस भाई को चाहिए हो वो हमसे मंगवा सकता है, आग बंद करके कहीं पे भी। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया। ये मत सोचना कि ये चला नहीं, ये कुछ नहीं दिक्कत नहीं, दिक्कत हुआ इसमें। दोस्तों ये पावर सप्लाई आप इसमें बढ़िया देंगे ना 5 एम्पियर तक, तो ये सप्लाई बढ़िया चलेगा। ठीक है, और इसमें हल्की पावर लगाएंगे तो हल्का कैसे चलेगा, 2 से 2 एम्पियर की तो ये बैटरी है। 5 एम्पियर आप इसमें मैक्सिमम दें, ठीक है, तभी इसमें पूरा प्रॉपर मिलेगा आउटपुट। ये मैंने दिखा के चला के दिखाया आपको किस तरीके से वायरिंग होती है इसकी, इस तरीके से ही वायरिंग करनी है आपको, चाहे किसी भी सेटअप में आप लगाइए। ठीक है, तो चैनल लाइक सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि ऐसी मोर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। ओके टाटा, बाय बाय। परचेज़ करिए, पेमेंट आप लोगों को पहले करनी है इसी नंबर पे, ऊपर आप लोगों को नंबर दिख रहा होगा, इसी नंबर पे आप लोगों को पेमेंट करना है दोस्तों। और मैंने स्पीकर्स वूफर्स के बारे में भी सब, ट्रॉली टावर सब कुछ बना के दिखाई रखा है, वो भी लोग आप जाके देख लेना मेरी वीडियोज़ में। और ये जो सप्लाई है इसको मैं 1200 वाट वाली भी ले सकते हो आप, ये 1800 वाट की सप्लाई है। ठीक है, तो चैनल लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ओके टाटा, बाय बाय।